अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज़ यू नो वी हैव फिनिश्ड आवर यूनिट नंबर 3. टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 4. सो ओपन योर बुक्स एट पेज 19. राइट डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. यूनिट नंबर 4 कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझना. द नेम ऑफ द यूनिट इज़ ब्यूटिफुल वाइल्ड फ्लावर्स. ब्यूटिफुल वाइल्ड फ्लावर्स. ब्यूटिफुल खूबसूरत वाइल्ड फ्लावर्स. खुदरो फूल. वाइल्ड मीन जंगली. बट यहाँ पे वी आर नॉट सपोज टू टेक इट इन द सेंस ऑफ जंगली. इसका मीनिंग हम लेंगे खुदरो फूल, जो खुद उगते हैं. ओके, सो टेक आउट योर पेंसिल एज वेल दैट यू मे राइट द मीनिंग्स. Put your index fingers, okay? A wild flower is a flower that grows wild. खुदरो फूल वो फूल होता है जो खुद उगता है. Grows, उगना. It grows naturally. ये कुदरती तौर पर उगता है. Grow, first form. Grows, present and definite form. Okay? समझ आ रही है? It grows naturally from a seed. ये कुदरती तौर पर सीड से, बीज से उगता है. सीड, बीज. ओके, दैट फिल और वॉज ब्लोन बाय द विंड. विंड मीन हवा. फिल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल. फॉल मीन गिरना. ओके, ये खुद कुदरती तौर पर बीज से उगता है जो कि हवा के ज़रिए गिर जाता है या हवा उसे दूर दराज ले जाती है. ब्लोन, बीइंग मूव्ड बाय एयर. द मीनिंग ऑफ ब्लोन इज बीइंग मूव्ड बाय एयर. वाइल्ड फ्लावर्स एंजॉय डिफरेंट हैबिटेट्स. हैबिटेट्स, ओके, हैबिटेट्स बोलते हैं मस्कन को, रहने की जगह को. वाइल्ड फ्लावर्स एंजॉय डिफरेंट हैबिटेट्स. खुदरो फूल मुख्तलिफ किस्म के मस्कन में रहते हैं. ओके, या पसंद करते हैं. अ हैबिटेट इज़ लाइक अ होम. हैबिटेट या मस्कन जो होता है ये एक किस्म का घर होता है. द एरिया और प्लेस अ फ्लावर चूजेस टू ग्रो. वो इलाका या वो जगह जिसे एक फूल उगने के लिए मुंतखब करती है. चूजेस, मुंतखब करना. ग्रो, उगने के लिए. सम वाइल्ड फ्लावर्स लाइक सी साइड हैबिटेट्स. कुछ खुदरो फूल सी साइड, समंदर की मस्कन में रहते हैं, रहना पसंद करते हैं समंदर की तरफ. ओके, अदर ग्रो बेस्ट इन द माउंटेन्स. एक किस्म के फूल ऐसे होते हैं, खुदरो फूल, वाइल्ड फ्लावर्स, जो कि साहली इलाकों में ज़्यादातर उगते हैं, समंदर के किनारों पे. ओके, कुछ ऐसे होते हैं जो कि माउंटेन्स, पहाड़ों के इलाकों में उगते हैं, पहाड़ी इलाके में. सम फ्लावर्स ग्रो नेचुरली बाय द रोड साइड. कुछ फूल कुदरती तौर पर सड़क किनारे उगते हैं. And others grow very well in rocky areas. और कुछ ऐसे होते हैं, जबकि दूसरे ऐसे होते हैं जो कि पथरीले इलाकों में अच्छे से उगते हों. Some areas are famous. Famous, well known, मशहूर. Some areas are famous for its wild flowers. कुछ इलाके, एरियाज मीन इलाके, कुछ इलाके इन खुदरो फूलों की वजह से मशहूर होते हैं. दीज एरियाज माइट लुक डल एंड ग्रे. ये इलाके बेरंग लगेंगे इफ़ नॉट फॉर द कलरफुल रॉकी वाइल्ड फ्लावर्स दैट ग्रो देयर. और ये इलाके बेरंग लगेंगे, डल एंड ग्रे, बेरंग, अगर वहाँ पर उन पथरीले इलाकों में ये रंग बिरंगी खुदरो फूल न उगें.
इस सेंटेंस का मतलब है कि कुछ इलाके इन खुदरो पुलों की वजह से मशहूर होते हैं। अगर उन इलाकों में, उन पथरीले इलाकों में ये रंग बिरंगी खुदरो पुल ना उगे तो वो इलाके बेरंग लगेंगे। मोस्ट फ्लावर्स नीड लॉट्स ऑफ वाटर, सम सनशाइन एंड शेल्टर। कुछ फूलों को ज़्यादा पानी, सूरज की रोशनी और साया की ज़रूरत होती है। शेल्टर, साया, सनशाइन, सूरज की रोशनी, सन सूरज, शाइन रोशनी, एंड नॉट टू मच विंड और फ्रोस्ट। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हवा और फ्रोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रोस्ट? फ्रोस्ट मीन्स अ स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल ऑन ग्रास। अब ये बर्फ़ के कतरे कैसे बनते हैं? जब शबनम के कतरे फूलों पे, पत्तों पे गिरते हैं और मौसम सर्द होता है तो सर्दी की वजह से वो पानी का कतरा बर्फ़ बन जाता है। एंड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रॉस्ट इज़ एन इंग्लिश राइटर पोएट एज वेल, ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट अ वाइट आइस क्रिस्टल, ओके। इन सम कंट्रीज द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर देम। कुछ ममालिक में, कंट्रीज इज़ द प्लूरल ऑफ कंट्री, ओके। कुछ ममालिक में कंट्री के लिए मुल्क यूज़ होता है, कंट्रीज के लिए फिर ममालिक का वर्ड यूज़ होता है। कुछ ममालिक में वेदर बोलते हैं मौसम को, परफेक्ट, मुनासिब, सही। कुछ ममालिक में उनके लिए मौसम बिल्कुल मुनासिब होता है, बिकॉज इट रेन्स अ लॉट ऑल ईयर, क्योंकि सारा साल बारिश बरसती है। एंड नेवर गेट्स टू हॉट और कूल्ड, और बारिश बरसने की वजह से, अच्छा, तो मौसम ना बहुत ज़्यादा हॉट गर्म होता है और कूल्ड, और ना बहुत ज़्यादा सर्द होता है। ओके, दिस वॉज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल द मीनिंग्स। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। This is your assignment, that homework that you will write the names of these flowers, okay? This is your homework, okay? You are having these flowers, pictures, you will write the names of these flowers. Now, this is informative table. What is over here? This is the information about the flowers, wild flowers. Kis color mein paaye jaate hain? Kis kis mausam mein ye ugte hain? Kitne kis kis month mein? उनका साइज़ क्या होता है, कि फूल बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, ओके। किन इलाक़ों में पाए जाते हैं? रोड साइड पे, हिल साइड पे, रॉकी एरियाज़ में, सी साइड पे। और एक एक जितना उनका ये दौरानिया होता है ना, एक महीना, दो महीने, तो उसमें एक एक स्टेम पे कितनी दफ़ा ये फूल उग सकते हों, ओके। बट रिमेंबर योर असाइनमेंट, this is your homework that you will write the meanings of these flowers, okay?